चैनल वेजी दरबार आज मैं बनाने वाली हूँ तंदूर रोटी। तो पूरे गेहूं के आटे से मैं बनाने वाली हूँ। इसमें मैंने मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। मैंने यहाँ पे दो बॉल गेहूं का आटा लिया है, यानी ये करीब 250 ग्राम है। इसमें मैं मिलाऊंगी अभी बेकिंग पाउडर एक आधा टी स्पून, फिर इसमें मिलाएंगे हम लोग नमक, थोड़ा सा नमक, फिर इसको अच्छे से हम लोग मिलाएंगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए ये गेहूं के आटे को मिलाऊंगी अच्छे से। जैसे हम लोग रोटी का आटा गूंथते हैं उसी प्रकार से हम लोगों को गूंदना है, ना ज्यादा सख्त ना ज्यादा नरम। तो मैंने आटे को गूंथ लिया है। अब मैं स्टेज पे डालूंगी थोड़ा सा तेल ताकि हाथों को आटा ना चिपके, फिर हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। तो मैंने आटे को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से भीगने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर इसको हम लोग कवर कर देंगे। इसको अच्छे से टक किया है, यानी गूंद दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा तेल अप्लाई करूंगी, फिर मैं इसको ढक के रखूंगी 10 से 15 मिनट तक। तो 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा तैयार है। देखिए अच्छा नरम आटा बन के तैयार है। अब हम लोग इसका छोटे छोटे लोइयां इसके निकाल लेंगे इस तरीके से। आपको जितने भी बड़े बनाने हो उतनी लोइयां आप ले सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है, अब इसको गरम करने रख दिया है। इसको गरम होने देते हैं, तब तक हम लोग बेल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सूखा आटा लिया है, गेहूं का आटा। इसमें मैं आटे की लोई को डिप करूंगी, फिर इसको अच्छे से बेल लेंगे। मैंने इसको किचन के प्लेटफॉर्म में ही बेल रही हूँ, आप चाहे तो चकले पे भी बेल सकते हैं। हल्के हाथों से इसको रोल करना है अच्छे से, ओवल शेप में या तो फिर राउंड शेप में, आप किसी भी शेप में जिस शेप में आप चाहिए उसी शेप में इसको अच्छे से बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा छिनकेंगे, फिर से हम इसको बेल लेंगे। इसको अच्छे से हम लोग बेल लेंगे। तो मैंने इसको ओवल शेप में बेला है, आप चाहिए तो इसको राउंड भी कर सकते हैं। तो थिकनेस इतना सा रहे, थोड़ा सा थिक रहे, ज्यादा नहीं। अब पूरे आटे को हम लोग इसको अच्छे से डस्ट कर लेंगे, इसको आटे को पूरा निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी, पानी से हम लोग इसको पूरे तरीके से निकाल लेंगे। तवा गरम हो चुका है, ये पानी के हिस्से को हम लोग नीचे कर लेंगे इस तरीके से। देखिए अब हम तवे को उल्टा कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा आटे का तंदूर बनके तैयार है। अब मैं इसको कड़छे की मदद से निकालूंगी। तो मैं इसको कड़छे से अच्छे से निकालूंगी। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब मैं इस पे डालूंगी थोड़ा सा घी, लगाएंगे इसमें ताकि अच्छे से शाइन आ जाए। फिर इसे हम डालेंगे थोड़ा सा व्हाइट सिसे यानी तिल। फिर मैं इसमें डालूंगी छोटा हरा कटा हुआ धनिया। तो हमारा तंदूर बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। गेहूं के आटे से बना है, मैदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, बहुत ही अच्छे से बना है। आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू सो मच।